चौथे चरण के चुनाव मतदान में बड़ी संख्या में मतदाता निकलकर कर रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग। सबसे अधिक मतदान लखीमपुर खीरी में किया गया है दर्ज। शाहजहांपुर में जितिन प्रसाद और कानपुर में सत्यदेव पचौरी, श्री प्रकाश जायसवाल समेत सतीश महाना ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। भाजपा, सपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर कर रहे हैं प्रचार। अमित शाह ने मोहनलालगंज और प्रियंका गांधी ने बहराइच में अपने प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। बढ़ती गर्मी का दिख रहा है असर। बलरामपुर और बरेली में हजारों बीघे फसल आग से हुई स्वाहा, घरों में रखा सामान भी जलकर हुआ खाक। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। पूरे देश में चौथे चरण के लिए 71 संसदीय क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। शाहजहांपुर, खीरी, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी और हमीरपुर में मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इन चुनावों में पिछली बार डिम्पल यादव को छोड़कर सारी सीटें भाजपा ने जीती थी। कन्नौज से सपा के डिम्पल यादव, उन्नाव से भाजपा के सच्चिदानंद हरि साक्षी, कानपुर से भाजपा प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, इटावा से भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया और फरुखाबाद से कांग्रेस के पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद चुनाव मैदान में हैं। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर लंबी कतार लगाकर मतदान कर रहे हैं। चुनाव में सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग ने व्यापक बंदोबस्त किया है। दोपहर 1 बजे तक शाहजहांपुर में 33%, खीरी में 39%, हरदोई में 32%, मिश्रिक में 32%, उन्नाव में 33%, फरुखाबाद में 33%, इटावा में 33%, कन्नौज में 32%, कानपुर में 34%, अकबरपुर में 33%, जालौन में 33%, झांसी में 38% और हमीरपुर में 37% से अधिक मतदान दर्ज हुआ है। सबसे अधिक मतदान अब तक लखीमपुर खीरी में हुआ है। कानपुर में जहां मतदाता निकलकर भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं, वहीं सारे प्रत्याशी बूथ पर घूम घूम कर इनका जायजा ले रहे हैं और अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। यहां मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रकाश, भाजपा के सत्यदेव पचौरी और सपा बसपा गठबंधन से राम कुमार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ दिया है हमेशा से, और जब विकास के रास्ते से भटक गई, उसको भटकाया गया ढोंग के द्वारा, झूठ के द्वारा। देखिए जी, ये लोकतंत्र का पर्व है। प्रधानमंत्री जी ने कहा उसको उत्सव के तरीके से मनाना चाहिए। जिस समय भी हम कोई नई चीज चुनने के लिए जाते हैं तो सज धज कर जाते हैं। आज देश की एक नई सरकार के लिए वोट डालने जा रहे हैं। वो सरकार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले साल 5 वर्षों में सफलतापूर्वक चली, जहां पर गरीब की चिंता हुई, महिलाओं की चिंता हुई, किसान की चिंता हुई, नौजवानों की चिंता हुई, देश के विकास की चिंता हुई, देश के उत्थान की चिंता हुई, देश के स्वाभिमान की चिंता हुई, देश के गौरव की चिंता हुई। वो भारतवर्ष जो दुनिया में उपेक्षित नजरों से देखा जाने लगा था, आज बहुत महत्वपूर्ण नजरों से देखा जाता है। देखिए, वो स्वतंत्र इकाई है और इस व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहिए कि आज लोग आए, दो दो घंटे लाइन में खड़े रहे, ऐसी व्यवस्था बनाइए कि पब्लिक आए और वोट दे। और कानपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता राजेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, कानपुर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, उद्योग नगरी से लोग किन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं मतदान करने? देखिए, यहाँ सुबह से ही बड़ी मात्रा में लोग जो है मतदान के लिए निकले थे, करते महिलाएं जो निकली थी, और यहाँ पर लोगों को पता है कि विकास होना चाहिए। विकास के मुद्दे को लेकर बहुत लोगों ने बताया कि विकास के मुद्दे पर हम वोट कर रहे हैं। वैसे कानपुर की जो लोकल समस्या है, जैसे कि यहाँ पे जाम की समस्या है और कुछ समस्या है, उसको लेकर भी लोगों का वोट था, लेकिन जो मेन मुद्दा था लोगों का, विकास होना चाहिए और सुरक्षा देश की बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बता रहे थे। राजेश, अगर बात करें प्रशासनिक तैयारियों की, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर? उनका प्रशासनिक तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा इंतजाम था आयोग ने जो इंतजाम करे हैं। उसके अलावा लोकल प्रशासन के भी बहुत अच्छे इंतजाम थे, पुलिस की बहुत चाकचौबंद व्यवस्था थी, कहीं से कोई शिकायत अभी तक ऐसी नहीं आ रही है जो पुख्ता हो पाए। सिर्फ की बात छोड़ देगा तो कोई ऐसी शिकायत अभी तक नहीं आई है। मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
बढ़ते हैं समाचारों में आगे। कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा में आज सुबह से ही मतदान केंद्रों में खासा उत्साह देखा गया है। मतदाता मतदान केंद्रों पर आकर अपना वोट डाल रहे हैं। कई जगहों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अकबरपुर में इस बार 1547 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 90 आदर्श मतदान स्थल के साथ 4 सखी मतदान स्थल भी बनाए गए हैं। पहली बार दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों पर ट्राई साइकिल की व्यवस्था की गई है। यहां भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र सिंह भोले, कांग्रेस से राजा रामपाल और गठबंधन से निशा सचान समेत 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, राज्य अवसर मिला है हमको। अच्छा है। अच्छा, क्या नेता से क्या उम्मीद है आपको? नेता से उम्मीद है देश का विकास हो, सबका कल्याण हो, यही उम्मीदें होती है। वोट डालने आए हम, वोट डालने आए, अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा फर्म वही है मताधिकार का। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। देश का सबसे बड़ा चुनाव, हर पार्टी का असर, हर नेता की खबर। चुनाव पर क्या है जनता की राय, चुनावी सुर्खियां सिर्फ DDUP पर रोजाना शाम 4 बजे। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। बात करते हैं इटावा की। इटावा में चौथे चरण के मतदान में विभिन्न पोलिंग पर कई प्रकार की विविधता भी नजर आई। इस वर्ष जनपद का मतदाता प्रशासन की तैयारी और साज सज्जा को देखकर बेहद प्रसन्न नजर आ रहा है। इस बार गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों और साथ आए छोटे बच्चों के लिए विशेष पंडाल बनाए गए हैं। बुजुर्ग और युवा, पुरुष महिलाएं सभी संतुष्ट नजर आए। युवाओं के चेहरे पर नई खुशी नजर आई क्योंकि ये उनका पहला अनुभव है। जनपद शाहजहांपुर में आज बूथ संख्या 166 पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में कांग्रेस का माहौल है, लोग न्याय योजना का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस की सोच सबका साथ सबका विकास के तहत पूरे भारतवर्ष से जीत की खबरें आ रही हैं। जो लोग भ्रम पाले हुए हैं, जनता उन्हें करारा जवाब दे रही है। अंडरकरंट चल रहा है, कांग्रेस की तरफ माहौल है। जो हमारी न्याय योजना है 72,000 रुपये प्रति वर्ष और 6,000 रुपये प्रति माह जो देश के गरीबों, जरूरतमंद को उपलब्ध कराई जाएगी, उसके प्रति खास दिखने को मिल रहा उत्साह है। और लोगों के जो कांग्रेस की सोच है, वो जो सबको साथ लेके चलने की, उसके प्रति अब देखिएगा कांग्रेस के बहुत बढ़िया प्रदर्शन। पूरे भारतवर्ष से खबरें आ रही, उत्तर प्रदेश में भी और शाहजहांपुर में भी। आप देखिएगा कांग्रेस का इतना बढ़िया प्रदर्शन होगा कि लोगों की आंखें खुल जाएंगी। जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं और जो लोग सत्ता में रहे हैं और अहंकार में हैं, उन्हें इस बार जनता सही आईना दिखाएगी। लखीमपुर खीरी तराई क्षेत्र से भी आज सवेरे से ही मतदान के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। सभी उम्र के मतदाता मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को चुनने का काम कर रहे हैं। खीरी जनपद की 5 विधानसभा लखीमपुर, श्रीनगर, निघासन, गोला, गोकरणनाथ, पलिया में महिलाएं और युवा वोटर बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग करते देखे जा रहे हैं। चुनाव में वर्तमान बीजेपी सांसद अजय मिश्र तेनी एवं सपा बसपा गठबंधन से डॉ पूर्वी वर्मा, कांग्रेस के पूर्व सांसद जफर अली नकवी भी मुख्य रूप से मैदान में हैं। पहली बार मतदान करने आया हूँ, ये मेरा पहला वोट है और मैं सभी से अपील करूंगा कि आज अपना ज्यादा से ज्यादा वोट डालें ताकि हम अच्छी से अच्छी सरकार बना सके, ताकि हमारे देश का विकास हो सके। हरदोई में पूर्व मंत्री और राज्यसभा सदस्य अशोक वाजपेयी ने अपनी पत्नी के साथ जाकर रफी अहमद किदवई कॉलेज में अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाकर मतदान किया।
यहां भी लोग लंबी कतारों में खड़े होकर मतदान का इंतजार कर रहे हैं। बुंदेलखंड के हमीरपुर में भी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए लंबी लंबी कतारों में मतदान करने बूथ पर पहुंच रहे हैं। नए मतदाता भी जहां उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं उम्रदराज लोग भी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदान करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हो गए हैं। बुजुर्गों से लेकर युवा तक, विकलांग सहित सभी लोग बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। पोलिंग बूथ पर सभी मतदाता अपनी बारी का मतदान करने को लेकर इंतजार कर रहे हैं। मौसम भले ही धीरे धीरे गर्मी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन लोगों में मतदान को लेकर उत्साह में बिल्कुल कमी नहीं है। वहीं भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। रहेंगे और जब मोदी 400 पार होकर के दिल्ली पहुंचेंगे तो इनके पास ईवीएम का रोना रोने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। कांग्रेस प्रत्याशी अनु टंडन ने मतदान किया और कहा कि उन्नाव मेरा परिवार है और मुझे परिवार पर पूरा भरोसा है। उन्होंने यहां से अपनी जीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार से किसान, व्यापारी और आमजन सभी परेशान हैं और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। लोग काफी परेशान हैं, खासकर किसान और ग्रामीण क्षेत्र, और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, छोटे व्यापारी भी बहुत दुखी रहे और हमारा पूरा जिला यानी मेरा परिवार जो है इस धारणा और इस परेशानी के बारे में मुझे समय समय पे बताता रहा है। तो इस बार जो है वो सब मिलकर दोबारा गलती नहीं करना चाहते जैसा हम कहते हैं। और उन्नाव से हमारे संवाददाता मनीष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, उन्नाव में भाजपा, कांग्रेस और सपा के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है, जनता कितने उत्साह से मतदान कर रही है और अगर बात करें विकास की तो क्या कुछ मुद्दे हैं उसके मन में? ये देखिए मोनिका जी, आज सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही कतारें लगने लग गई थी पोलिंग बूथ के बाहर। खास तौर पे देखा जाए इलेक्शन कमीशन के जो इंतजाम हैं वो वोटरों को मतदान तक लाने के लिए बेहद सफल सिद्ध हो रहे हैं और अभी तक का 33% मतदान हो चुका है। अगर बात विकास की करें तो शहरों के अलग मुद्दे हैं और गांव के कुछ अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर के मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग कर रहा है। खासतौर से अगर यहाँ शहरों को देखा जाए तो शहर में थोड़ी बहुत समस्या जो है वो जल की है, पानी की है और जाम की भी व्यवस्था है जिसको लेकर के लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और एक अच्छी सरकार चुनने का प्रयास यहाँ का मतदाता कर रहा है। और खासतौर से बुजुर्ग और दिव्यांगजन वो काफी जो है मात्रा में देखे जा रहे हैं मतदान स्थल पर आते हुए। जी मनीष, सुरक्षा की अगर बात करें तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और प्रतिशत अभी कितना बढ़ने की उम्मीद लग रही है आपको? अगर सुरक्षा की बात करें तो इंतजाम बेहद पुख्ता है, 12,000 कर्मचारी पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं समाचारों में आगे और इससे पहले कि हम समाचारों में आगे बढ़े, छोटा सा विराम। अब नेता जनता के द्वार, दावों और वादों की होगी पड़ताल, क्या चाहती है जनता, नेताओं का रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ, लोकतंत्र का उत्सव जनता है भागीदार। देखिए जनादेश 2019 रोजाना 7:30 से 8 बजे डीडी उत्तर प्रदेश पर। विराम के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं फरुखाबाद की। फरुखाबाद में सुबह से ही जागरूक मतदाता मतदाताओं की लंबी कतारों में पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में पहली बार वोटर बनी युवतियों में विशेष उत्साह दिखाई पड़ रहा है। विकलांग और उम्रदराज मतदाता भी मतदान के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। कई मतदाता मतदान करने के बाद सेल्फी प्वाइंट में फोटो भी खिंचवा रहे हैं।
जालौन लोकसभा में चौथे चरण के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही बूथों पर लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की देखने को मिल रही हैं। जालौन की लोकसभा की सुरक्षित सीट से 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। पोलिंग बूथ की निगरानी के लिए 21 जोनल मजिस्ट्रेट और 249 सेक्टर मजिस्ट्रेट को लगाया गया है। इसके अलावा जनपद में 167 बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील बनाए गए हैं। इसके अलावा 151 बूथों पर वेबकास्टिंग, 110 बूथों पर वीडियोग्राफी की जाएगी। वहीं सुरक्षा की बात करें तो जनपद की 3 विधानसभाओं में 10,000 से अधिक जवान तैनात रहेंगे। मैंने इस बार फर्स्ट बार वोट दिया है। मैं यही चाहती हूँ कि देश का विकास हो अच्छे से, अच्छे स्तर पर, और हर युवा से अपील है हमारी कि वो घर से बाहर निकलकर वोट डालें और मेरी सरकार चुनने में मदद करें। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा वोट एकदम सही पानी को जाए और हमारे देश का अच्छा सा विकास हो। मैं लेक्चरर हूँ होम साइंस डिपार्टमेंट में, और मैं यहाँ सबसे पहला मैंने अपना वोट डाला है। एक जागरूक नागरिक का परिचय दिया है और मुझे लगता है सबको आके वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि अपने ये देश का एक त्योहार है और इसे हर किसी को इसका स्वागत करना चाहिए। और इस वक्त जालौन से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, बुंदेलखंड में कड़ी गर्मी पड़ रही है, ऐसे में राजनीतिक तापमान कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए मोनिका, बिल्कुल बता दूं कि राजनीतिक तापमान बिल्कुल पारा चढ़ा हुआ है। बुंदेलखंड की अगर गर्मी की बात की जाए तो टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और यहाँ पर प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर मतदाताओं की बात की जाए तो सुबह के समय मतदाता खुलकर मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती रही मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचने कम हो गए हैं। अब हालात यह है कि एक या दो करके ही मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहाँ पर प्रचार प्रसार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बहुत किया गया था कि जिससे कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके, लेकिन दोपहर होते होते मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है। अभी तक जो मतदान प्रतिशत हुआ है 1 बजे तक लगभग 34% मतदान हुआ है जालौन में। मोनिका जी, संजय, अगर मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर? देखिए, जनपद में 400 से अधिक आदर्श पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जो भी मतदाता आया है आदर्श बूथ पर, उनके लिए मिष्ठान प्लस पानी की व्यवस्था की गई है, जिससे कि वह वोट डालने के बाद मिष्ठान ग्रहण करें और पानी पीने। साथ ही वहां पर जो धूप को देखते हुए वहां पर टेंट भी लगवाए गए हैं, जिससे किसी भी मतदाता को परेशानी ना हो सके। ये जिलाधिकारी द्वारा एक अच्छी पहल की गई है यहाँ पर, जिस कारण यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने का ये एक सबसे बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि जिलाधिकारी लगातार यहाँ स्वीप कार्यक्रम किए थे जिससे कि वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। क्योंकि जालौन में अगर पिछली बार की अगर तुलना में देखा जाए तो पिछली बार 60% मतदान हुआ था, तो यहाँ के जिलाधिकारी का मुख्य काम ये था कि यहाँ पर प्रतिशत बढ़ाया जा सके, जिससे कि 65 से 70% यहाँ पर मतदान हो सके। मोनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। झांसी में भी सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखी जा रही हैं। झांसी और ललितपुर जनपद में भी विकास के नाम पर लगातार वोट पड़ता रहा है। पानी की समस्या को लेकर भी यहां जनप्रतिनिधियों से लोगों की बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन इस बार युवा मतदाता लंबी कतारों में वोट डालकर भविष्य के भारत और देश के विकास के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जिनमें वोट डालने के बाद लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं। वहीं प्रत्येक बूथ पर सिविल डिफेंस के लोग भी तैनात किए गए हैं, जो दिव्यांगों के या बुजुर्ग लोगों को व्हीलचेयर पर बिठाकर मतदान करवा रहे हैं। और बात करें कन्नौज की, तो कन्नौज लोकसभा सीट पर आज सुबह से ही मतदाताओं में अपने मताधिकार को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दोनों पैरों से दिव्यांग महिला मतदाता हो या फिर 92 साल के बुजुर्ग मतदाता, सब सुबह से ही अपने मताधिकार के लिए इंतजार करते हुए नजर आए। मतदान शुरू होने से पहले कुछ जगह पर ईवीएम मशीन की टेक्निकल खराबी होने की सूचनाएं भी आई, लेकिन तत्काल इंजीनियर बुलाकर वोटिंग मशीन को ठीक कराकर मतदान शुरू कराया गया। आपको बता दें कि जिले की 5 विधानसभा सीट पर करीब 18,70,318 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाताओं ने बताया कि अपने मताधिकार के लिए
वो रात से ही उत्साहित थे। सुबह होते ही वो मतदान केंद्र के बाहर आ गए। उन्होंने बताया कि उनको देश को बचाने वाला नेता चाहिए। कुछ नहीं, यही कहना चाहेंगे सब लोग, इतनी महिला पुरुष बच्चे जिसके अभी वोट है, अपना वोट मत खराब करें, सुबह सुबह आके वोट जरूर डालें। आज प्रिया कुमार अपर महानिदेशक समाचार ने लखनऊ समाचार एकांश में आकर यहां प्रसारित होने वाले समाचारों की जानकारी ली और गुणवत्ता युक्त समाचारों का प्रसारण कर कैसे लोगों तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने न्यूज रूम का निरीक्षण किया और न्यूज में काम करने वाले लोगों से बात कर आ रही समस्याओं को भी जाना। समाचार एकांश की प्रभारी निदेशक यास्मीन फारूकी तथा सहायक निदेशक राजीव चतुर्वेदी से समाचारों को लोगों की अभिरुचि के अनुसार कैसे बनाया जाए, इस संदर्भ में भी बात की। उन्होंने जनता तक सही और सटीक सूचनाएं देने के लिए समाचार एकांश की सराहना भी की। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े हमारे ट्विटर हैंडल अकाउंट से @DDNewsUP पर या हमारे फेसबुक पेज से जुड़े DDNewsUP पर। YouTube पर हमसे जुड़ने के लिए लॉगिन करें DDNewsUP। विराम के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। लखनऊ में पांचवें चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गृहमंत्री राजनाथ सिंह लगातार लखनऊ की जनता के बीच प्रचार में मौजूद हैं और लोगों से जनसंपर्क कर विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ के विकास को हमने तरजीह दी है और आने वाले समय में लखनऊ को देश का सबसे अच्छा शहर बनाएंगे। मैं तो आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहूंगा, लखनऊ की जो परंपरा है, लखनऊ की जो तहजीब है, लखनऊ की जो एक पहचान है, उसको बहनों भाइयों हम सब लोगों को बनाकर रखना है। और इसी रूप में लखनऊ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी जाना जाता है। आप लोगों ने 2014 में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। लगभग 5 वर्षों का समय गुजर चुका है, लेकिन आप भी यह महसूस करते होंगे कि हमारा भारत दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ा। 4.5 वर्षों के अंदर ही भारत ने इतनी प्रगति की है कि हमारा भारत जो दुनिया के टॉप 10 देशों में 9वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। लखनऊ के मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों, पिछड़ों और दलितों के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रधानमंत्री का चेहरा है, लेकिन विपक्ष में लामबंद हुए राजनीतिक दल कई चेहरे लेकर आए और सभी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे, गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, मंगलवार को अखिलेश को, बुधवार को ममता दीदी को, गुरुवार को शरद पवार को, शुक्रवार को चंद्रबाबू नायडू को, शनिवार को देवगौड़ा को और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाए। भला ऐसे कोई देश चल सकता है क्या? ऐसे कोई देश चल सकता है? एक नेता ऐसा चाहिए जो देश को सुरक्षित, एक नेता ऐसा चाहिए जो देश का सम्मान आकाश तक पहुंचाए, एक नेता ऐसा चाहिए जो गरीबों के जीवन में उजाला, एक नेता ऐसा चाहिए जो विद्यार्थियों को आगे बढ़ाए, एक नेता ऐसा चाहिए जो देश को दुनिया में महाशक्ति बनाने का काम करे, महाशक्ति बनाने का। गोरखपुर में लोकतंत्र के महाउत्सव लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर क्लब में खिलाड़ियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और समारोह में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा
ये गोरखपुर मंडल के खिलाड़ियों ने प्रदेश और देश में अपने प्रदर्शन से गोरखपुर का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में खिलाड़ी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी मतदान करें। गोरखपुर के खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ, अपने पसीने से गोरखपुर का, इस कमिश्नरी का, प्रदेश और देश का नाम किसी न किसी विधा में आगे किया है, आप सभी विभूतियों के साथ मैं आज इसलिए यहाँ पर आज संवाद स्थापित कर रहा हूँ कि हम भी इस उत्सव में किस प्रकार से सहभागी बन सके। सबसे पहली बात तो मुझे देश के अंदर इस दौरान अनेक राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और अनेक राज्यों में जो उत्साह है, जो उमंग है, जो लोगों की एक तमन्ना है, उस तमन्ना के साथ मैंने इस बात को महसूस किया है कि पहली बार कोई सरकार है जिस सरकार ने अपने परिश्रम से, अपने कार्यक्रमों से 5 वर्ष का सफलतम कार्यकाल पूरा करने के बाद देश के अंदर लोगों के मन में एक नई आशा जगाई है, एक नया उत्साह का संचार किया है। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से फौजी सीमाओं पर डटा रहता है उसी तरह से कार्यकर्ता बूथ पर डटे रहें और भाजपा को जीत दिलाएं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी का मुख्य अंग है और बिना उनके आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। वहीं कौशाम्बी में भी भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के पक्ष में मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आपका एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है, इसलिए सब कुछ भूलकर भाजपा प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए जुट जाएं। ये कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है। अभी 2 दिन पहले तक 3 दिन पहले तक सवाल था कि कांग्रेस से मिसेज बाड्रा जो है वाराणसी से लड़ना चाहती हैं। जो भी लड़ेगा लड़ सकता है, जो चुनाव प्रक्रिया, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से काशी के सांसद भी होंगे और पूरे देश के भी सांसद होंगे, क्योंकि हर सीट पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही प्रत्याशी मान करके लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। बहराइच लोकसभा में नानपारा स्थित सादत इंटर कॉलेज मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री बाई फुले को जीत दिलाने के लिए कल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहुंचकर चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ अपने फायदे को देखती है जबकि कांग्रेस हमेशा जनता की भलाई का काम करती है। उन्होंने अपने एजेंडे को बताते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही युवाओं को रोजगार, जनता की समस्याओं का समाधान तथा 72,000 रूपये गरीब परिवारों को देने के लिए कृतसंकल्प है। कांग्रेस पार्टी की योजना देखिए जिसकी घोषणा हमने की है, इसके जरिए हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रूपए मिलेंगे। साल में 6,000 नहीं, हर महीने 6,000 मिलेंगे। और ये उस मानसिकता से बनाई गई है कि जो संघर्ष आप कर रहे हैं उसमें हाथ बटाना। प्रत्याशी तनुज पूनिया के पक्ष में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा में कहा कि कांग्रेस न आतंकवादियों से रिश्ते रखती है और न ही नक्सलवादियों से। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद में अपने बड़े नेताओं को खो दिया है। आतंकवाद से संबंध का हो सकता है, कांग्रेस का नहीं, क्योंकि हमने महात्मा गांधी को खोया है, राजीव जी को खोया है, इंदिरा जी को खोया है। हमारे संबंध आतंकवादियों के साथ कतई नहीं हो सकते। सर, पुलवामा की घटना घटी लेकिन आज तक की जांच नहीं हुई। ये वही लोग हैं जो होटल राज में जब आतंकी हमला होता है सूट बदलने के नाम से तत्कालीन गृहमंत्री की इस्तीफा मांग लेते हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में सैंड आर्ट और फूलों की रंगोली का आयोजन किया गया। वाराणसी से आए फाइन आर्ट के कलाकारों ने गंगा नदी की रेत पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर मतदान करने का संदेश दिया। इस मौके पर लोकगीत कलाकारों ने संगीत के माध्यम से भी मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि 75% से अधिक मतदान संसदीय क्षेत्र में दर्ज हो।
बढ़ती गर्मी के कारण पूरे प्रदेश में आग की घटनाएं बढ़ गई हैं। बरेली जनपद में बहेड़ी तहसील के रिछा बंजरिया बसंत नगर में हजारों बीघे में खड़ी गेहूं की फसल आग लगने से नष्ट हो गई। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं बलरामपुर में भी वीरपुर के मजरे की गंगापुर कैराती गांव में लगी आग खेतों तक पहुंच गई है, जिसमें कई हेक्टेयर गेहूं की फसल नष्ट हो गई तथा आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घरों में रखा सारा सामान जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।